मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रिलायंस की ऑयल रिफाइनरीज या जियो का नाम ही क्लिक करता है। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े मैंगो एक्सपोर्टर भी हैं और इस बिजनेस में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप का एशिया में अलग ही लेवल की मोनोपोली है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुकेश भाई ये किस लाइन में आ गए आप, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तेल बेचते बेचते आपको आम भी बेचने पड़ गए। तो इसके पीछे की कहानी भी बहुत ही फिल्मी है जो इनके पुराने बिजनेस से ही जुड़ी हुई है। आपदा को अवसर में बदलना मुकेश अंबानी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि जामनगर में ही रिलायंस की दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज है जहां से कंपनी रिफाइंड ऑयल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करती है और इसी वजह से काफी पॉल्यूशन भी होता है। इसलिए 1997 में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पॉल्यूशन करने के लिए एक के बाद एक लीगल नोटिस भेजकर कहा कि आपकी ये जामनगर वाली रिफाइनरी काफी पॉल्यूशन कर रही है और इसे लेकर अगर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो इस रिफाइनरी पर ताला लग जाएगा। जिसके बाद अंबानी ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से डिस्कशन कर पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी रिफाइनरी में ही आम का बाग लगाने का फैसला किया और कंपनी ने रिफाइनरी की बंजर जमीन पर आम के पेड़ लगाने का ये सिलसिला 1998 में शुरू किया। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को लेकर कई तरह की शंकाएं थी क्योंकि एक तो वहाँ बहुत तेज हवा चलती थी और साथ ही पानी भी खारा था और न ही जामनगर की जमीन आम की खेती के लिए उपयुक्त थी। लेकिन कंपनी ने टेक्नोलॉजी के थ्रू इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना दिया। समुद्र के पानी को साफ करने के लिए कंपनी ने डिसेलिनेशन प्लांट का यूज किया और पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया और इसी वजह से आमों का बगीचा आज 600 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें आम के 1.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ हैं और इस बाग में आम के 200 से अधिक देसी और विदेशी किस्मों के पेड़ लगे हुए हैं। इस बाग का नाम भी कंपनी के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के नाम पर धीरूभाई अंबानी लखी बाग अमराई रखा गया है। आखिरकार मुकेश अंबानी ने ये कहावत किसी हद तक तो साबित ही कर दी कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन के साथ साथ कंपनी को भी खूब प्रॉफिट हुआ।